इंडियन क्रिएटर्स में वो जिगरा है, वो डेयरिंग है कुछ नया और हटके ट्राई करने की। इसका जीता जागता एग्जांपल है इस लिस्ट की पांच ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है ऐसे रिस्क लेने वाले क्रिएटर्स को दिल खोल के सपोर्ट करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। हर वेब सीरीज को 1 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए क्यों वो आपका टाइम डिजर्व करती है, और साथ ही जानेंगे क्या वो फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। अगर आपका टाइम कीमती है जो सिर्फ और सिर्फ बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज ही डिजर्व करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ट्रस्ट मी, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 3। आपने अक्सर सुना होगा ऐसी हॉलीवुड टाइप वेब सीरीज इंडिया कभी बना ही नहीं सकता। नंबर 5 की वेब सीरीज सभी को गलत साबित करेगी। 4 एपिसोड की मिनी सीरीज, हर एक में अलग अलग स्टोरीज, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ थ्रिलर एंटोलॉजी 2019 की फ्लिप। मेरी एडवाइस रहेगी आप सीरीज को आखिरी एपिसोड से देखना शुरू करो जिसे हम आगे नेगेटिव में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी बियॉन्ड इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट। 40 मिनट्स के एक एपिसोड में पूरी वेब सीरीज को फिट किया है। ग्रेट कॉन्सेप्ट के साथ जो आने वाला ट्विस्ट और फ्लिप है वो भी सीरीज में बहुत अच्छी तरह लॉजिकल वे में लाया है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड द हंट जिसमें सर्वाइवल दिखाया है, उसका बहुत ही जबरदस्त जंगल लोकेशन है, ड्रोन शॉट्स, ये सब आपको फील करवाएंगे कोई हॉलीवुड की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज हम देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई है वो है इसके कई खींचे हुए सीन्स जिसे एडिटिंग में इजीली कट किया जा सकता था। लेकिन दाद देनी होगी ऐसी वेब सीरीज के रिस्क के लिए जिसने डेयरिंग दिखाई है कुछ हटके ट्राई करने की। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर देखी है तो आप जरूर उसे कंपेयर करेंगे इस सीरीज से। आखिरी नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, कुछ न्यू कमर्स कैरेक्टर्स की एक्टिंग आपको ओवर द टॉप या फिर अनजस्टिफाइड लग सकती है। लेकिन इसके बावजूद रणवीर शौर्य और जिम शर्फ के लिए एक बार जरूर देखना, एकदम दिमाग में पेनिट्रेट हो जाएगी इनकी एक्टिंग। इन शॉर्ट, अगर आपको कुछ हटके और यूनिक ट्राई करना है और वो टिपिकल ड्रामा से आप बोर हो चुके हैं तो बिना एक्सपेक्टेशन के साथ 4 एपिसोड की इरोज नाउ पर अवेलेबल ये छोटी मिनी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरीज के अंदर कुछ जगहों पर ब्रूटल और विजुअली डिस्टर्बिंग सीन्स है जिस वजह से ये सीरीज 18+ कैटेगरी में आती है। आपने कई लोगों से सुना होगा इंडिया कहां वो कंटेंट बना सकता है जहां टाइम ट्रैवल और साईफाई हो। उन सब का जवाब है मिस्ट्री थ्रिलर 2020 की JL50। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका साईफाई मिस्ट्री का प्लॉट। सिर्फ 4 एपिसोड की छोटी मिनी सीरीज है जिसके शुरुआत के 2 एपिसोड आपको पूरी तरह सरप्राइज करेंगे। अभय देओल ने जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नफ्स को पकड़ा है जो एक ऐसे प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो 35 ईयर्स पहले टेक ऑफ हुआ था। अब ये प्लेन 35 साल के बाद कैसे मिला, उस कॉन्सेप्ट को सीरीज ने आउटस्टैंडिंग तरीके से दिखाया। सीरीज का नेगेटिव ज्यादा खुलकर नहीं बता पाऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। बस एक 10 से 15 मिनट का टाइम आता है सीरीज में जहां पर लॉजिक का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं और एक के बाद एक हाई जंप मारते जा रही है सीरीज। लेकिन इन सब के बावजूद जो रिस्क लिया है साईफाई मिस्ट्री बनाने में कि एक दमदार और तगड़ी शुरुआत हो चुकी है वेब सीरीज की दुनिया में साईफाई मिस्ट्री स्टार्ट करने की। 20 से 30 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड्स आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको फील होने लगेगा कि कुछ तो नया देखने मिला काफी टाइम बाद। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे रिस्क लेने वाले लो बजट सीरीज को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे दूसरों को रेकमेंड कीजिए, क्योंकि इंडिया में कंटेंट में बदलाव आना शुरू हो चुका है। बस इसे चाहिए तो हमारा थोड़ा सा एप्रिसिएशन। सीरीज के अंदर किसी तरह का एडल्ट या वॉयलेंट सीन नहीं है। सोनी लिव पर इस सीरीज को आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नंबर 3 की सीरीज ने तो हंसा हंसा के दिल जीत लिया यार। दोस्तों के साथ परफेक्ट डार्क कॉमेडी थ्रिलर है ये। 2020 की अ सिंपल मर्डर जिसने पूरी तरह सरप्राइज किया मुझे। कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज की सिंपलिसिटी। लालच और प्यार के चक्कर में एक मर्डर हो चुका है। हर एक कैरेक्टर्स की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेयर्स के ऊपर लेयर्स, और एक कैरेक्टर की स्टोरी जब शॉकिंगली दूसरे कैरेक्टर से मिलती है इतना हंसोगे आप, मजा आ जाएगा और सब कुछ एकदम लॉजिकल तरीके से हो रहा है। सीरीज का लैंग्वेज कुछ एडल्ट सीन्स और वॉयलेंस और डार्क कॉमेडी इसे 18+ बनाता है। सीरियसली बता रहा हूँ, काफी टाइम बाद एक अच्छी डार्क कॉमेडी देखने मिली। नेगेटिव की अगर बात करें, अगर आप किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हुए तो जब जब वो स्क्रीन पे आता है उसकी स्टोरी आती है तब आपको थोड़ा बोर फील होगा। लेकिन 7 एपिसोड्स 30 मिनट्स एक चुटकी बजाते ही निकल जाते हैं। अगर किसी सीरीज का लेंथ आपको फील भी ना हो तो वो उस सीरीज की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यार, कंटेंट पे ध्यान देना सीरीज देखते वक्त, नहीं तो इस कॉमेडी के अंदर भी रिलीजन के नाम पे अपना मुंह फुला लेंगे। मेरे हिसाब से किसी
किसी भी पॉइंट पर रिलीजन को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। ऐसी कम बजट में बनी डेयरिंग वाली वेब सीरीज ये डिजर्व करती है हमारा टाइम। और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा सुशांत सिंह और जीशान आयुब की एक्टिंग, एकदम नेचुरल और कोई ओवर एक्टिंग नहीं, जिस वजह से हर एक ह्यूमर का बराबर टाइमिंग बैठ रहा था। टॉप टू सीरीज से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए, और अगर आपने ये सीरीज को देखा है तो कमेंट में जरूर बताइए। सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे यार ऐसी सीरीज को। नंबर टू पे मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे अंडररेटेड हिडन जेम वेब सीरीज है। मनाली पुलिस स्टेशन, एक लड़की का मर्डर हो गया सर। भाई साहब मेरे तो होश उड़ गए जब पता चला ये ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की अनदेखी। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है 30 मिनट्स के हर एक एपिसोड और एकदम टाइट और मजबूत स्क्रीन प्ले। मनाली के एक शादी में मर्डर हो जाता है और उसके बाद जो तांडव शुरू होता है, स्क्रीन प्ले आपको हर 5-10 मिनट में सरप्राइज और शॉक देता रहेगा। कौन कहता है यहाँ सच की जीत होती है, यहाँ वही जीतता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। और ये शॉक और सरप्राइज आप पे पड़ता है हर एक्टर की एक्टिंग की वजह से। इस सीरीज के लिए एक्टिंग वर्ड तो इस्तेमाल ही मत करो, सब कुछ जैसे रियल चल रहा है। सबसे खास बात जो मुझे लगी, नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल और मजबूत दिखाया है पॉजिटिव से। दिव्यांदु भट्टाचार्य एज ए पुलिस, सूर्या शर्मा का मिर्जापुर टाइप का वो स्वैग और एटीट्यूड, एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी एक्टिंग पे आप सवाल उठा सको। छोटा सा नेगेटिव पॉइंट, अगर एंडिंग भी वो तबाही वाली होती ना तो कसम से ये वेब सीरीज मेरे लिए असुर से भी ऊपर होती। इतना भी कुछ बुरा नहीं है एंडिंग, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन सीरीज के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सोनीलिव ऐप पर अवेलेबल ये सीरीज 18 प्लस है। गालियां, सेक्सुअल सीन्स, ब्रूटल मर्डर भर भर के है इस वेब सीरीज में। लेकिन मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज यार ऐसी वेब सीरीज को सपोर्ट करो और इन वेब सीरीज को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इंडिया में जो सिलसिला शुरू हुआ है क्वालिटी कंटेंट बनने का ओटीटी पर, वो कभी ना रुके। नंबर वन की सीरीज आपको शर्म और गर्व दोनों फील करवाएगी। शर्म क्योंकि ये इंडिया के निर्भया गैंग रेप केस पे आधारित है, और गर्व क्योंकि ये इंडिया की पहली वेब सीरीज है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए। सीरीज हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाती है क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे हिट करेगी आपको। 2019 क्राइम थ्रिलर दिल्ली क्राइम्स। सबसे बड़ी वार्निंग दे दूं आपको, इमोशनल और कमजोर दिल वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जिंदगी में आज तक किसी वेब सीरीज ने मेरे दिमाग पे इतना गहरा असर नहीं डाला होगा जितना दिल्ली क्राइम्स ने किया है। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से डायरेक्टर रिची मेहता ने गैंग रेप के होने के बाद का जो पुलिस का इन दरिंदों को चेस करने की जर्नी दिखाई है, मान गए भाई साहब, रिस्पेक्ट है पुलिस वालों को। हमारे देश की ऐसी दिमाग हिला देने वाली न्यूज सुनने के बाद हम सोशल मीडिया पे जाके एक दो पोस्ट डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई समझते हैं। इन असलियत में जो विक्टिम की फैमिली और पुलिस सहती है, उससे आपको अपने आप पर शर्म और इंडिया की पुलिस पे गर्व महसूस होगा। अगर आप दिमाग से 18 प्लस हो तो ही सीरीज को देखना। 7 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। हाँ, शेफाली शाह और राजेश तेलंग ने अपनी एक्टिंग से तबाही मचा दी है। एक माँ से, एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। देखो यार, लाइफ बहुत छोटी है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा। सबको इसी लाइफ में मिलके सेलिब्रेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मेरे रेकमेंडेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा कमेंट सेशन होता है। सभी हॉलीवुड और इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।